पिछले चार दिन पूर्व खरगोन के एक पत्रकार के खिलाफ खंडवा में हुई FIR के खिलाफ बैटमा के पत्रकारों ने मोर्चा खोला है। इस संबंध में पत्रकारों ने नाराजगी दर्शाते हुए बैटमा थाना प्रभारी को पुलिस महानिरीक्षक इंदौर के नाम ज्ञापन सौंपा। भले ही सरकार पत्रकार हितैषी होने का दावा करती रहे, किंतु इसके विपरीत मध्य प्रदेश में पत्रकारों के अधिकारों के हनन एवं उन पर हो रही प्रताड़ना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पिछले दो दिनों पूर्व इसी तरह के एक कार्य को अंजाम देते हुए खंडवा के कॉलोनी निर्माता रितेश गोयल ने खरगोन के पत्रकार वारिश खान के खिलाफ षड्यंत्र पूर्ण साजिश करते हुए खंडवा पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई है। मामले में उक्त कॉलोनाइजर ने पत्रकार वारिस खान पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। वारिस खान विगत 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन पर की गई FIR के खिलाफ बैटमा के पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। पत्रकारों ने सौंपे ज्ञापन में उक्त कॉलोनाइजर पर सख्त कार्यवाही करने व मामले की निष्पक्ष जांच और पत्रकार पर हुई FIR को निरस्त किए जाने की मांग की है, तथा पत्रकारों का कहना है कि इस तरह की FIR से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और पत्रकारिता जैसे जनहितार्थ पेशे को हानि पहुंचाई जा रही है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 24 महोदय थाना कोतवाली खंडवा में दर्ज दिनांक 5/2/2024 प्राथमिक संख्या 0064/2024 द्वारा SW 24 न्यूज मध्य प्रदेश न्यूज चैनल के डायरेक्टर श्री वारिस खान के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करने के विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि शिकायतकर्ता खंडवा निवासी रितेश गोयल की गालियों ने नीतिगत कर्मियों की शिकायत पर रितेश गोयल द्वारा बदले की दुर्भावना से ग्रस्त होकर यह पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई है, जो पूर्णतः असत्य होकर पत्रकारों के अधिकारों को बांधने की कोशिश है। इस दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस शिकायत को निरस्त करने हेतु ज्ञापन दे रहे हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि खंडवा थाना कोतवाली में SW 24 न्यूज चैनल मध्य प्रदेश न्यूज चैनल के डायरेक्टर श्री वारिस खान के विरुद्ध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।